हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल गैंग शो कोडर में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल कैसे बना सकते हो आप प्ले स्टोर ऐप के लिए। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप कैसे अपने पैसे बचा सकते हो। तो गाइस, ये जो है सिंपल प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल बनाने के लिए नहीं है, और भी चीज़ें के लिए आप बना सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो के थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मुझे अपने ऐप के लिए प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल यहाँ पे मैं देना था प्ले स्टोर में। तो गाइज, मेरे पास तो किसी वेबसाइट की होस्टिंग नहीं है, तो मैं कैसे बनाऊँ। तो गाइज, इसका पहला पार्ट ये है कि आप गूगल का जो साइट google.com में जाइए, वहाँ पे इस पे क्या होता है कि इस पे बंच ऑफ टेम्पलेट आपको मिल जाते हैं। अगर आपने पोर्टफोलियो बनाना है, किसी अपने वेब पेज का लैंडिंग पेज बनाना है, या जो भी आपने कुछ भी बनाना हो, रेस्टोरेंट के लिए, इवेंट के लिए कुछ भी बनाना हो, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो गाइज, मेरे केस में मैंने प्राइवेसी पॉलिसी रोल बनाना है, तो मेरे पास कोई टेम्पलेट था नहीं, तो मैंने ब्लैंक टेम्पलेट से स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आप इंसर्ट पेज और थीम के सेक्शन है। इंसर्ट के थ्रू आपको यहाँ पे थीम के थ्रू आपको बैकग्राउंड थीम क्या चाहिए पेज का, वो सारी चीज आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो गाइज, यहाँ से मैं चूज करूंगा जो अभी तो ब्लैक, जो मेरी ऐप का जो कलर है वो ब्लैक पे है, तो गाइज जो मैं ब्लैक प्रेफर करूंगा इस चीज के लिए। तो गाइज, यहाँ से आप इसकी फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, किस फॉन्ट स्टाइल में आपको जो आपका टेक्स्ट चाहिए। तो गाइज, अभी के लिए मैं रैंडमली यूज कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो गाइज, ये जो है site.google.com, ये इसके लिए आपको कुछ पे करना नहीं होता। इसमें आपको क्या करना होता है, जस्ट आपको अपनी जीमेल आईडी के थ्रू लॉग इन करना है, और आपको जो ऊपर ये जो हाईलाइटेड है site.google.com, यहाँ पे जाना है। तो डैशबोर्ड पे जाओगे तो आपको हर चीज मिल जाएगी यहाँ पे। तो गाइज, इस वीडियो को मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो गाइज, अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे नहीं, आगे जाएगा नहीं ये। तो यहाँ पे अगर पेज में जाए, इंसर्ट में जाऊंगा, सही इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट में आपको हर चीज विजिट मिल जाएंगे। तो गाइज, प्राइवेसी पॉलिसी के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना वो डाटा मैं कलेक्टेड कर रखा हुआ है। तो गाइज, सबसे पहले यहाँ पे कोलैप्सिबल टेक्स्ट है, उसको मैं यूज करूंगा। अभी के लिए मैं इसको यूज नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पहले अपना वो एक मैसेज दिखाना है टॉप पे कि ये वाली चीज भी कौन प्रोवाइड कर रहा है ये ऐप, और क्या क्या चीज इसको यूज कर सकते हैं। तो गाइज, अब यहाँ पे है कि अब यहाँ से आपको ये सारी कुछ मैनेज कर सकते हो, उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ कर दिया इसको, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेट कर सकते हो। तो गाइज, अब यहाँ पे है इसके जो लेफ्ट पोर्शन पे इंसर्ट दिख रहा है आपको, यहाँ से आप अपने कुछ भी, अपना जो भी बनाना है आपने, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी एड ऑन कर सकते हो। चाहे वो कोलैप्सिबल टेक्स्ट से आप सिंपल टेक्स्ट लगाना है, इमेज स्लाइडिंग लगाना है, बटन लगाना है, कैलेंडर लगाना, यूट्यूब का लिंक देना है, कोई प्लेस होल्डर देना है, या फिर इमेजेस की स्लाइडिंग बनानी है, वो सारी चीज़ हम ड्रैग एंड ड्रॉप आप यहाँ से करके कर सकते हो। तो गाइज, इसके लिए आपको कोई HTML की, कोई वेबसाइट की नॉलेज होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इजीली बना सकते हो। राइट, तो ये चीज़ बहुत ही सिंपल है, इसके लिए आपको कोई पे करना नहीं होता, ठीक है। तो गाइज, ये सारी चीज़ है, इसको वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, फिर हम आते हैं टॉपिक पे। तो गाइज, ऑलमोस्ट ये सारा पेज बन चुका है, तो इसको हम, चलो हम बन चुका है, ट्राई करते हैं, इसका प्रीव्यू देखते हैं कि कैसे ये वेबसाइट में और टैबलेट में शो होएगा। तो गाइज, अगर आप वेबसाइट में इस पेज को देखोगे तो आपको इस वे में दिखाई देगा। तो गाइज, देखने से अनप्रोफेशनल वाले बनाए हैं, पूरा प्रोफेशनल लग रहा है, आपको HTML नॉलेज नहीं है। अगर मोबाइल व्यू में देखोगे, मोबाइल व्यू में इस टाइप का आपको दिखेगा, ये जो भी इस पेज को ब्राउज करेगा। तो इसको क्लोज करके पहली चीज़ तो मैं जाके टाइटल इसको कट कर देता हूँ, जो पोर्शन हमें वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो इसको करने के बाद
अब यहाँ पे आपके पास देखोगे सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग में जाके आप अपना ये सारी चीज़ जो लोगो लोगो चेंज कर सकते हो। तो गाइस ये सारा चीज़ ऑप्शन यहाँ पे है, अगर आपको मॉडिफाई करना है साइड में ऑप्शन है, इंसर्ट पेज कर सकते हो, पेज का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मेरा सब कुछ काम हो चुका है, तो इसको मैं यहाँ पे पब्लिश करने जा रहा हूँ। तो गाइस मैंने अपना दिया है फोन कीबोर्ड, इसको मैं चेंज करके, क्योंकि ये प्राइवेसी पॉलिसी है, तो इसको प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे रख देता हूँ नाम। तो गाइज ये चीज़ करने के बाद ये सबसे पहले चेक करेगा, ये आपका जो नीचे बॉटम पे आपको दिखाई दे रहा है, जो आप जो मैं टाइप कर रहा हूँ ये चेंज हो जा रहा है। तो आपका गाइज ये चीज़ है, ये फाइनल यूआरएल है। तो गाइज इसको कस्टम चाहते हो अपने अपने डोमेन के साथ इसको आप लिंक कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे कस्टम यूआरएल में मैनेजमेंट जाके ये ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे फाइनली जो हमारा था पब्लिश हो चुका है, इसको अगर हम व्यू करेंगे लाइव तो ऐसे हमें दिखेगा। तो गाइज इसको मैं अब प्राइवेट ब्राउजर में चेक करता हूँ, क्योंकि मैं उस सिमिलरिटी सोर्सिंग में ओपन हो रखा हूँ, तो प्राइवेट ब्राउजर में किस टाइप का दिखाई देता है, कोई अगर कोई रैंडम यूजर आके देखता है तो किस वे में दिखाई देगा ये। तो गाइज यानी यहाँ ओके यहाँ पे जाके मैं देख रहा हूँ इस पेज को प्राइवेट ब्राउजर में। तो गाइज ये देखो ये पेज आपको पूरा प्रोफेशनल वे में दिख रहा है। आपको अगर जीरो एचटीएमएल की नॉलेज, जीरो प्रोग्रामिंग नॉलेज आप इजीली बना सकते हो, कोई आपने अपने शॉप का फ्रंट पेज बनाना है, कोई भी चीज़ बनाना, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, अपना पैसा खराब करने नहीं चाहते, तो आप इस चीज़ को site.google.com से आप बना सकते हो, क्योंकि ये गूगल की फ्री सर्विस है।